देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर राष्ट्रीय राजपूताना करनी सेना के बैनर तले हजारों लोगों ने की मांग। इस महाधरना का नेतृत्व आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद ने किया। राष्ट्रीय राजपूताना करनी सेना ने कहा कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, उनकी सम्मानजनक रिहाई होनी चाहिए। आनंद मोहन पूर्व सांसद बिहार से हैं, वो 13 वर्षों से जेल में बंद हैं। राजपूताना करनी सेना ने ऐलान किया कि अगर आनंद मोहन को रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आनंद मोहन की रिहाई को लेकर राष्ट्रीय राजपूताना करनी सेना एवं उनके परिवार के साथ हैं। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर की रिपोर्ट। केपी सिंह जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, इसके बाद हमारी हरियाणा की अखंड राजपूताना सेवा संघ की टीम, गुजरात की टीम, राजस्थान की टीम आज यहाँ जंतर मंतर पे आनंद मोहन सिंह जी के समर्थन में लवली आनंद सिंह जी, चेतन आनंद जी के आह्वान पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ महाधरना में उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और हम लोग आज इस जंतर मंतर के माध्यम से बिहार की सरकार, केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी महामहिम, और खासकर जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग यहाँ आज प्रतीकात्मक रूप में इकट्ठा हुए हैं। सबसे सत्ता के गलियारों में बैठे सभी अग्रजों, बड़े नेता और जो सत्ता के ठेकेदार, सब लोगों से आज हमारा विनम्र आग्रह है कि श्री आनंद मोहन जी की जल्द से जल्द रिहाई हो, जिनको विगत 14 वर्षों से अनायास फर्जी केस में 14 वर्षों से जिनको बंद किया गया है। देखिए 6 साल में तो कारावास के लोग भी छूट जाते हैं, 14 साल में 14 वर्षों से जिनको श्री आनंद मोहन जी को अनायास एक फर्जी केस में बंद किया गया है, उनकी सरकार जल्द रिहाई करे, नहीं तो आज तो ये ट्रेलर है जंतर मंतर से। पूरे देश के राजपूत समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, यहाँ ऐसा नहीं कि केवल राजपूत इकट्ठा हुआ, यहाँ सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं एक अन्याय के खिलाफ। और जो श्री आनंद मोहन जी बिहार के हीरो, बिहार के नेल्सन मंडेला, जो गरीबों की आवाज थे, जिनको दबाने के लिए नीतीश कुमार जी और बिहार के जितने फर्जी नेता हैं, जिन्होंने एक फर्जी केस बना करके उनको केस में डाला ताकि राजपूतों की राजनीतिक आवाज को दबाया जा सके, उनको पिछले 14 साल से बंद कर रखा, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। देश का नौजवान सर, क्या आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए आप लोग राजनाथ सिंह से कभी संपर्क किया? देखिए राजनाथ सिंह जी से भी संपर्क हुआ, राजनाथ सिंह जी से पुनः संपर्क होगा, और जो बॉम्बे के ठाकुर बीके सिंह है उनसे संपर्क हुआ, सब लोगों से संपर्क हुआ, पुनः संपर्क होगा, पुनः आग्रह होगा। क्या आश्वासन दिया सबने? श्री कृपा शंकर सिंह जी जो हमारे अखंड राजपूताना सेवा संघ के एक तरीके से हमारे अग्रज हैं, हमारे संरक्षक हैं, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र हैं, उनसे भी संपर्क हुआ, उनका पूरा समर्थन है इस हमारे मुहिम में। देखिए अभी तो ये सर्व समाज के लोग और राजपूत समाज के लोगों का आग्रह है, अगर उनकी जल्द रिहाई नहीं होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, दिल्ली में, देश में, पटना में, हर जगह चक्का जाम होगा। ये सरकार ये न समझे कि 14 साल से जिस राजपूत शेर को सलाखों के पीछे बंद करके रखा हुआ है एक फर्जी केस में, अब ये आवाज दबने वाली नहीं है, लोग रुकने वाले नहीं है, और ये आवाज पूरे देश में गूंजेगी, पटना भी चक्का जाम होगा, दिल्ली भी होगा, लखनऊ भी होगा, बम्बई भी होगा, सब जगह होगा। धन्यवाद। केस में और निर्दोष रहते हुए भी 13 वर्षों से जेल की यातनाएं झेल रहे हैं, हम मैडम के जिगर का दाद देंगे जो इन्होंने विगत 13 वर्षों से अपने छोटे छोटे बच्चों को पालते हुए, एक माँ का धर्म निभाते हुए, एक पत्नी का धर्म निभाते हुए, एक पुत्रों की धर्म को निभाते हुए इन्होंने जिस संघर्ष का परिचय दिया है, साथ ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं, अपने तमाम
नेताओं को लेकर के इन्होंने जो चला है अपने संघर्ष का, इन्होंने जो परिचय दिया है, हम जितना भी प्रशंसा करें वो कम होगा। साथियों, आज के इस जंतर मंतर के कार्यक्रम से यह प्रतीत हो गया है जो आनंद मोहन जी के लिए आप लोगों के हृदय में अपार प्रेम है, और आप लोगों का जो जुनून देखा जा रहा है, आप लोगों का जो जोश देखा जा रहा है, इससे ये एक मैसेज जाएगा। हम अभी की जो बिहार सरकार है उनसे हम आग्रह कर रहे हैं जो वो हमारे बातों पर, हम लोगों के कार्यकर्ताओं के जो विश्वास है, जो कार्यकर्ताओं की मांग है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। साथ ही हम केंद्र की सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं, उनसे जो इसमें हो सकता है हम लोगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। और हम मेरे नौजवान साथियों, आप सब संगठित रहो, एक रहो, पूरे भारत के संगठित रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे तो ये बड़ी से बड़ी सरकारें भी आपके कदमों में आके कहेगी कि नौजवान साथियों पावे लागो मेरे नौजवान साथियों, ये सब संगठित रहने की जरूरत है। आज ये जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई है ये बहुत जल्दी पटना में गूंजेगी। 19 फरवरी को पटना आ रहा हूँ बिहार में, और वहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे मेरे नौजवान साथियों। इसके साथ साथ अखिल भारतीय महासभा के कंवर अजय सिंह जी ने घोषणा की है कि मनिया में वहाँ जबरदस्त एक जन सैलाब उमड़ेगा, तो उसके लिए भी तैयार है। और आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कुछ मेरी तरफ से नहीं, जो आनंद मोहन लवली सिंह जी बोलेगी उसके लिए हम जी जान से रहेंगे, जहाँ इनकी एक एक पसीने की बूंद पड़ेगी हम हमारा एक एक खून का कतरा लगा देंगे। हमारे बीच में चाहिए आनंद मोहन जी, हमें चाहिए मैं बोलूंगा कि ये आज राजपुताना दिल्ली कैसे आप कहना आनंद मोहन जी की यहाँ पर।
मोहन जी के समर्थन में आए हैं, उनके लिए रिहाई होना चाहिए। और दो निर्दोष है, एक बार जितने भी क्षत्रिय बंधु है सब बैठ जाए। बहुत बड़ा प्रदर्शन था, क्षत्रियों की अपनी पहचान है अनुशासन। आप विराज जैसे समस्याओं को लेकर के वो पटना के सांसद भी थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। आपका फोटो लो, आप जनता की समस्याओं को वो बिहार में के सामने पटना में रख रहे थे। एक बहुत बड़ा जनसमूह था उनके साथ, कवरिंग कर। पता नहीं किसकी गोली से कैसे डीएम की हत्या हुई, लेकिन आनंद मोहन जी निर्दोष थे। भीड़ थी, भीड़ में पता नहीं किसकी गोली से भीड़ की हत्या हुई थी। टूटेंगे निर्दोष होने के बाद 14 साल से जेल के अंदर बंद। अगर बंद नहीं होते, जनता के बीच में होते, तो वो जाने कितनी जनता की समस्याओं का निवारण करते हुए बहुत आगे होते यार राजनीति में, बहुत आगे राजनीति में होते। और देश के लोगों को उनकी जरूरत भी है, जनता को जरूरत भी है, आनंद मोहन जैसे लोगों की बहुत जरूरत भी है। मैंने तो कई बार ऐसे निर्दोष लोगों के को बचाया है। उत्तर प्रदेश में मैंने राजा भैया का साथ देकर के कई बार उनको सुरक्षित बचाया है, कई बार बचाया है राजा भैया को। और ऐसे कई नौजवानों को बचाया है जो निर्दोष है, और कभी कभी निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है, उन्हीं में से आनंद मोहन जी भी हैं। आज जरूरत है आनंद मोहन जैसे लोगों को, जरूरत है हमको भी, जरूरत है बिहार की जनता को भी, जरूरत है देश की जनता को भी, जरूरत है। आज बहुत कुछ देश के सामने है, जनता की समस्याओं को बहुत सी जरूरत है। वैसे तो लवली आनंद जी सेवा कर रही है जनता की, हम उनको भरोसा देते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से और हम अपनी तरफ से आपके साथ हैं। आनंद मोहन जी को रिहाई होना चाहिए, उनको जेल से बाहर आना चाहिए, इसलिए हम समर्थन देने आए, हम आपके साथ हैं। आनंद मोहन जी की रिहाई होना चाहिए, आज जरूरत है उनकी, हमको भी जरूरत है, और बिहार की जनता को भी जरूरत है, देश की जनता को भी जरूरत है। और इस समय देश जिस स्थिति में है, जंतर मंतर पर आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आपका समर्थन करते हैं, उनकी रिहाई होना चाहिए। और आयोजन करते हुए प्रदर्शन के साथ प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर लोग आए हैं, और हमें भरोसा है बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आनंद मोहन की रिहाई के लिए उनका समर्थन करेंगे। और चाहे राष्ट्रपति जी और चाहे प्रधानमंत्री जी,
से हमारी मांग है उनकी जल्द से जल्द रिहाई होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लवली आनंद जी, उनके परिवार को, उनके सभी साथियों को, जो उन्होंने उनकी रिहाई का जो यह छेड़ा है, हम उनके इस कार्यक्रम में हम उनके साथ हैं, इस आंदोलन में उनके साथ हैं और उनकी रिहाई जल्द होना चाहिए। जय हिंद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।